और नई वीडियो के लिए RCIT हरियाणा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक रहेगा फाइंड एंड सिलेक्ट कमांड और पेस्ट में फर्स्ट ऑप्शन को छोड़ के बाकी सारे बचे हुए हैं, तो हम आज ये दो कमांड करेंगे। इन दो कमांड के साथ हमारा होम टैब कंप्लीट हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट कमांड हमारी फाइंड एंड सिलेक्ट में हम पढ़ेंगे, काफी सारे ऑप्शन इसके अंदर होते हैं। फर्स्ट है फाइंड, कंट्रोल प्लस एफ फाइंड की शॉर्टकट की होती है, और रिप्लेस की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एच, और गो टू की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस जी होती है। स्टूडेंट, हम जैसे मैंने रिप्लेस पे क्लिक किया, दोनों ऑप्शन खुल गए फाइंड एंड रिप्लेस, बट हम रिप्लेस पे क्लिक करके आए हैं या शॉर्टकट की प्रेस करके आए हैं, तो इसमें क्या है कि वो आपका एक्टिव मिलेगा। अगर आप फाइंड पे क्लिक करके आते हैं या कंट्रोल प्लस एफ प्रेस कर रही हूं मैं, अब देखो ऑप्शन तो दोनों एक ही में खुलेंगे, बट ये कमांड या ये ऑप्शन आपका हाईलाइट होगा। सेलेक्ट एरिया या टाइप किए गए मैटर में आपको कोई नंबर फाइंड करना है, कोई करेक्टर फाइंड करना है, उसके लिए फाइंड कमांड का यूज किया जाता है। मैंने यहाँ पे कर दिया 45, जो वैल्यू फाइंड करनी है वो यहाँ पे लिखेंगे फाइंड नेक्स्ट, जहां पे है आपका कर्सर वहां पे जाएगा वन बाय वन, और आपको हाईलाइट करेगा कि आपकी 45 वैल्यू कहाँ कहाँ पे है। इसके अंदर एक ऑप्शन और है फाइंड ऑल, फाइंड ऑल पे क्लिक करने से हमें एड्रेस शो करेगा book1.xls, बुक वन हमारी फाइल का नाम है, बुक वन से नेम से हमने अपनी फाइल को सेव कर रखा है, शीट वन, शीट वन पे हमने काम कर रखा है या शीट वन पे हमारा डाटा है, C3 वैल्यू 45, C3 में 45 लिखा हुआ है, 3 ये रहा, D4 में लिखा हुआ है, D4 में आपको यहाँ पे क्या कर रहा है कि 3 सेल फाउंड हुई हैं जिन पे आपका 45 वैल्यू लिखी हुई है। नेक्स्ट है स्टूडेंट रिप्लेस, हम यहां से भी रिप्लेस पढ़ सकते हैं, इसी पे क्लिक करेंगे या कंट्रोल प्लस एच यूज करेंगे। रिप्लेस क्या होता है, मैटर को चेंज करने के लिए, बदलने के लिए। यहाँ पे फाइंड व्हाट में मैंने कर दिया 45 को हमने रिप्लेस विद चेंज करना है, मैंने कर दिया 80 करना है। अब देखिए रिप्लेस करेंगे, जहां पे कर्सर है वो चेंज हो गया, हो जाता है एक बार में, और रिप्लेस ऑल पे क्लिक करेंगे आपके पास मैसेज आएगा एक्सेल हैज कंप्लीटेड इट्स सर्च, सर्च भी कंप्लीट हो गया और इसने 2 times रिप्लेसमेंट कर दिया। जितनी बार भी आप यहाँ पे रिप्लेसमेंट होगा मैसेज आ जाएगा। नेक्स्ट कमांड है गो टू, एमएस वर्ड में गो टू कमांड का यूज किसी भी पेज और लाइन पर जाने के लिए किया जाता है, एक्सेल में गो टू कमांड का यूज किसी भी सेल पे डायरेक्ट जाने के लिए किया जाता है। गो टू पे आएंगे, रेफरेंस में एड्रेस भरना है, मैं ये ऑप्शन इंट्रोडक्शन के टाइम भी यहां से भी करा चुकी, वहां पे मैंने एक पॉइंट बताया था कि पहले हमने कॉलम का नाम भरना है, कॉलम हमारे A2XFD 16384 होते हैं, मैंने भर दिया UY कॉलम, रो हमारी 1048576 होती हैं, मैंने यहाँ पे रो भर दी 50,000। अब देखिए UY 50,000 एंटर करेंगे तो UY कॉलम और 50,000 UY कॉलम था, 50,000 रो थी, मतलब सेल पे कर्सर डायरेक्ट चला जाएगा। इस ऑप्शन को हम यहाँ फॉर्मूला बार पे क्लिक करके A1 भर दिया, A कॉलम 1 रो एंटर करेंगे, A1 पे आ गए। अगर हम पहले रो का एड्रेस भरते हैं, रो हमारी नंबर में होती है, मैंने भर दिया 20,
थाउजेंड रो और जे के एजे कॉलम, ये चीज रोम है। यू मस्ट एंटर ए वैलिड रेफरेंस। वैलिड रेफरेंस क्या है? फर्स्ट कंडीशन, हमें पहले कॉलम का एड्रेस देना है। कॉलम हमारे अल्फाबेट में ए टू एक्स एफ डी होते हैं, और फिर रो। कॉलम भी न्यूमेरिकल में हो जाएंगे। हम यहाँ ऑफिस बटन से किसी क्लास में एक दिन करेंगे ये ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन है, पहले आप पढ़ लेते हैं फॉर्मूला, एक मिनट छोड़ दिया है, गो टू स्पेशल फॉर्मूलाज। जहां आपने फॉर्मूला लगा रखे होंगे शीट पे, जहां जहां पे भी लगा रखे होंगे, फॉर्मूलाज क्या करेगा? फॉर्मूला शो करेगा। मैंने कहीं पे भी कर्सर रखा, फॉर्मूलाज पे क्लिक कर दिया। अब देखिए, फॉर्मूलाज पे क्लिक करने से आपका फॉर्मूला लगा हुआ एरिया सिलेक्ट हो गया, या हाईलाइट कर रहा हमें कि यहाँ पे आपने फॉर्मूला अप्लाई कर रखा है। नेक्स्ट ऑप्शन है कमेंट। कमेंट हम पढ़ चुके, पहले हमने सेल पे कमेंट करना है, रिव्यू के अंदर जाके न्यू कमेंट। कमेंट लग गया, न्यू कमेंट, कुछ लिखना है लिख दो। अपने कहीं क्लिक कर दिया, वैसे हाईलाइट है, रेड सिंबल कमेंट की पहचान होती है। मैंने इस सेल पे क्लिक किया और कमेंट पे क्लिक करेंगे, कमेंट्स पे क्लिक करेंगे तो देखिए स्टूडेंट आपको दोनों सिलेक्ट कर रहा है, हाईलाइट कर रहा है। तो इसके लिए क्या था, पहले अपने ये सारी चीजें लगानी पड़ती हैं। लगाए हुए को फाइंड करता है, फाइंड का मतलब ढूंढना होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग यहां से पड़ी थी, बट क्या करना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके कोई भी कंडीशन कोई भी लगा दी, कहीं क्लिक कर दिया, हमें नहीं पता इस शीट पे कहीं कंडीशन लगी हुई है, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करते ही आपको कर्सर सेलेक्ट करेगा या हाईलाइट करेगा कि आपके यहाँ पे कंडीशन लगी हुई है, इसलिए पहले लगाना जरूरी है। अगर लगाएंगे नहीं तो फिर कर्सर हमें फाइंड भी नहीं करके देगा। नेक्स्ट ऑप्शन है डाटा वैलिडेशन। डाटा वैलिडेशन कमांड मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। हम यहाँ से इस कमांड को छोड़ रहे हैं, डाटा में करेंगे, वहां से भी पढ़ा सकते हैं, बट यू है कि वहां से ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा, हमें समझ नहीं आएगा, इसलिए इस ऑप्शन को हम यहां से पढ़ेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है स्टूडेंट सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट में हमने दो तो लगा रखे हैं कमेंट, कोई फोटो भी, कोई पिक्चर भी, कोई शेप भी, कंपल्सरी भी है, कुछ भी लगा लिया, सिलेक्ट भी नहीं की। अब आप जाएंगे सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पे, सिलेक्ट पेन पे ऑप्शन सिलेक्ट ऑब्जेक्ट देख लेते एक बार। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या है, देखिए ये कमांड, ये ऑप्शन आपके हाईलाइट नहीं हो रहे, मतलब कि एक तरह से डीएक्टिवेट हो गए, काम नहीं करेंगे, कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट नहीं होंगे, मतलब दोबारा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे अनसेलेक्ट हो गए। नेक्स्ट ऑप्शन है जिसके लिए मैंने कोई भी शेप ली है, यहाँ पे सिलेक्शन पेन, साइड में कोई भी बॉक्स आता है उसको टास्क पेन कहा जाता है। सिलेक्शन एंड विजिबिलिटी ऑप्शन आया आपके पास, यहाँ पे हमें दिखा रहा है कमेंट वन। कमेंट वन पे कर्सर चला गया, टू पे क्लिक किया तो टू, यहाँ पे शो ऑल, सारी चीजें एक साथ सिलेक्ट, हाइड ऑल, सारा हाइड हो गया, एक साथ हाइड शो कर सकते हैं हम। रीऑर्डर में अप डाउन में जा सकते हैं, देखिए कैसे, ब्रिंग फॉरवर्ड और नेक्स्ट फॉरवर्ड, नीचे वाला सिलेक्ट हो जाएगा, शो ऑल करेंगे, और यहां पे थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए स्निप सेम साइड कॉर्नर रेक्टेंगल, रेक्टेंगल हाइड शो होगा, कमेंट टू हाइड शो होगा, और वन भी हाइड शो होगा। अगर यहां से वन बाय वन हाइड शो, यहां से एक साथ हाइड ऑल और शो ऑल, तो नेक्स्ट इसमें मैंने एक ऑप्शन छोड़ दिया था, गो टू स्पेशल में चलते हैं हम। गो टू स्पेशल में जाएंगे, सबसे पहले है कमेंट। कमेंट हम कर चुके, सिलेक्ट हो गई,
मतलब जो ऑप्शन हमने अंदर पढ़े थे वही बाहर पढ़े थे वही अंदर हैं, एक ऑप्शन नया आया है कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट पे ओके करेंगे क्या होगा, आपके द्वारा लिखा हुआ मैटर विदाउट फॉर्मूला का, जिस एरिया में हमने फॉर्मूला नहीं लगा रखा कॉन्स्टेंट में, वो सिलेक्ट हो जाएगा। ये सिलेक्ट नहीं हुआ, इसमें फॉर्मूला लगा रखा है। और नेक्स्ट ऑप्शन है, यहां पे कॉन्स्टेंट रह गया था, गलती से पढ़ाया नहीं। आगे है फॉर्मूला, फॉर्मूला ओके करेंगे, फॉर्मूला सिलेक्ट हो गया। नेक्स्ट है गो टू स्पेशल में ब्लैंक्स, ब्लैंक एरिया सिलेक्ट। यहां पे जैसे हमने सेल फाउंड मैसेज आया, एक शेप ली थी वो हमने हाइड कर रखी है, कर्सर कहीं पे भी रखेंगे और ब्लैंक्स पे क्लिक करेंगे। देखिए स्टूडेंट, एक आधे पीसी में जैसे इसमें कमांड हाईलाइट नहीं कर रही, मैं वैसे बता देती हूँ इसमें क्या होगा, ब्लैंक एरिया सिलेक्ट हो जाता है। जैसे आपका फॉर्मूला में फॉर्मूला की वैल्यू शो हो रही है, कॉन्स्टेंट में विदाउट फॉर्मूला की, तो इसमें भी जिसपे नहीं लिखा हुआ वो एरिया हमारा ब्लैंक पे क्लिक करेंगे तो यहां से सिलेक्ट हो जाएगा। अभी जैसे एक आधे पीसी में सेटिंग के कारण ऑप्शन नहीं होता। उसके बाद प्रीसीडेंट डिपेंडेंट आगे आएंगे, लास्ट सेल ओके करेंगे, जिस सेल पे आपका लास्ट मैटर लिखा होगा। और एक ऑप्शन और है इसमें कंडीशनल फॉर्मेट, जहां लगा रखी होगी कंडीशन सिलेक्ट हो जाएगा। तो इसके अंदर जाके ऑप्शन पढ़ लो या बाहर से पढ़ लो, एक ही बात होती है। फाइंड एंड सिलेक्ट के बाद हम चलते हैं पेस्ट कमांड में। पेस्ट कमांड करने से पहले हमने थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेनी है। फॉर्मेटिंग से क्या है कि ऑप्शन अच्छे से समझ आ जाता है। कोई भी फॉर्मेटिंग आपने अप्लाई करनी है, मैंने यहाँ पे बॉर्डर लगाया है, बैकग्राउंड कलर लगाया है, फॉन्ट कलर लगाया है। अब देखिए स्टूडेंट, ऑप्शन का नाम है पेस्ट। पेस्ट कब होता है, जब आपका मैटर कॉपी या कट होता है। तो आपने क्या करना है, पहले अपनी टेबल को सिलेक्ट करके कॉपी करना है, कंट्रोल प्लस सी या कॉपी पे क्लिक कर दिया, कॉपी हो गया। अब देखिए सारे ऑप्शन आपके हाईलाइट होंगे, कैसे होंगे, किसी सीट पे चाहिए वहां आप चले जाओगे, उसी सीट पे भी हम ऑप्शन कर सकते थे। फर्स्ट ऑप्शन है पेस्ट, सिंपल सी बात है, कॉपी किया गया मैटर सेम फॉर्मेट में पेस्ट करने के लिए, जैसा था वैसा का वैसा पेस्ट हो गया। अगली बार कोई ऑप्शन पढ़ना है तो कर्सर रखना है, ये नहीं कि वहीं पे रखोगे, नेक्स्ट एरिया पे कर्सर रखना है। अब आपको जाना है फॉर्मूलाज। अब देखिए स्टूडेंट, आपके टोटल और एवरेज पे फॉर्मूला लगा रखे हैं, फॉर्मूलाज पे क्लिक करेंगे तो देखिए क्या होगा, यहां कर्सर रखना है और फॉर्मूला बार में फॉर्मूला देखना है। यहाँ पे C11 से E11 सेल, फॉर्मूला बार में देखना है, फॉर्मूला शो करेगा। इसीलिए आप जब भी इस ऑप्शन को करो तो फॉर्मूला भी लगा लेना, ये नहीं कि सिंपल टेक्स्ट ही लिख दिया। नेक्स्ट है आपका ऑप्शन हाईलाइट नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, कॉपी कमांड कैंसिल हो गई, मैंने दोबारा कॉपी कर दिया। अब है अगला ऑप्शन पेस्ट वैल्यू, अपोजिट होगा फॉर्मूला का, इसमें फॉर्मूला शो हुआ था फॉर्मूला बार में, पेस्ट वैल्यू में क्या है, वैल्यू दिखाएगा आपकी फॉर्मूला की, 203 है, 56% है, 168 है, इसमें क्या आपको नंबर दिखाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है नो बॉर्डर, हमने बॉर्डर लगाया था ये ऐसा यहां जैसे लगा रखा है, नो बॉर्डर में क्या होगा, विदाउट बॉर्डर के टेबल पेस्ट हो गई, बॉर्डर नहीं आया, इसीलिए हमने बॉर्डर लगाया था कि हम नो बॉर्डर करें तो हमें कुछ डिफरेंस दिखे, विदाउट बॉर्डर लगाए भी ऑप्शन हो जाता। नेक्स्ट ऑप्शन है ट्रांसपोज, उल्टा हो जाएगा, उल्टा मतलब ये हमारे रो में लिखे हैं हिंदी मैथ एसएस,
और स्टूडेंट नेम हमने कॉलम, तो ट्रांसपोज पे क्लिक करेंगे, अपोजिट हो गया। देखिए जो सब्जेक्ट नेम यहाँ पे थे वो हमारे यहाँ आ गए और जो स्टूडेंट नेम यहाँ पे थे वो हमारे यहाँ आ गए, ट्रांसपोज में अपोजिट हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन है पेस्ट लिंक, इस पे क्लिक करेंगे, सिंपल फॉर्मेट में टेबल पेस्ट हो जाएगी। सिंपल फॉर्मेट में आई, लिंक क्या क्या मतलब था, फॉर्मूला बार में हम देखेंगे शीट वन ई थ्री, या फिर मैंने इस पे क्लिक किया, यहाँ पे आया शीट वन बी टू। देखिए शीट तो वही रहेगी वन, क्योंकि हम शीट वन से मैटर उठा के लाए हैं, और ये जो एड्रेस हमारा सी थ्री, ये क्या शो कर रहा है कि ये 80 जो नंबर है शीट वन के सी थ्री पे लिखा हुआ है, 80 नंबर शीट वन के सी थ्री पे लिखा हुआ है। तो लिंक में हमें लिंक शो करता है कंप्यूटर कि हम इस टेबल को कहां से उठा के लाए हैं। तो स्टूडेंट आज की क्लास के ये दो टॉपिक, ये तीन बच गए, ये हम कल की क्लास में करेंगे तीनों ऑप्शन। आज मैंने आपको पेस्ट के ऑप्शन कराए हैं और फाइंड एंड सिलेक्ट के कराए हैं। आपको किसी को भी आज के पढ़ाई हुए में से कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो। और नई वीडियो के लिए RCIT हरियाणा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।